हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि संबंधित है सीजी व्यापम से। तो फाइनली छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा टीईटी 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है, जिसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी इसको फिलअप कर सकते हो। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट cgvapam.gov.in में जाना होगा। और जाने के पश्चात इस प्रकार से आपके सामने मेन्यू डिस्प्ले होगा, उसमें से ऑनलाइन सेक्शन वाला पोर्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन वाले सेक्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से मेनू डिस्प्ले होगा। तो इसमें सबसे ऊपर दिख रहा है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2022, इसे टच करना है। इसे टच करने पर आपके सामने एक और मेनू डिस्प्ले होगा, जिसमें ये दिया हुआ है, इसके बारे में गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसके अलावा व्यापम परीक्षा निर्देश है, इसके अलावा सिलेबस है। सिलेबस में आपका सिलेबस इन हिंदी और सिलेबस इन इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में भी मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी मिलेगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा सैम्पल एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप देख कर जान सकते हो कि इसमें क्या क्या लगेगा और क्या क्या नहीं लगेगा। तो इसके अलावा बैंक इंस्ट्रक्शन है, देन 8वें नंबर पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको 8वें नंबर के कॉलम को सेलेक्ट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को। और जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सर्वर डाउन चल रही है या ओपन नहीं हो रहा है। हो सकता है व्यापम के द्वारा भी इसको ओपन ना किया गया हो, या मतलब विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं लेकिन उसको अभी चालू नहीं किया है। तो कुछ हो सकता है आज शाम तक या कल ये चालू हो जाए। तो आपको इस प्रकार से जाना है और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है और आप TET परीक्षा में बैठ सकते हैं। मतलब बैक करके आपको मैं दिखा देता हूँ सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से रहेगा आपका। इसमें पूछा जाएगा कि क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री डिप्लोमाधारी है या अंतिम वर्ष में जिसका परिणाम अपेक्षित है। तो इसमें आपका जो भी रहेगा, डिग्री रहेगा तो डिग्री को टिक करना, डिप्लोमा रहेगा तो डिप्लोमा को टिक करना। इसके अलावा सेकंड दिख रहा है कि आप विभागीय निर्देश में दर्शित निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो हाँ या नहीं, आपका जो भी है हाँ है तो हाँ। और आपको TET कौन सा कक्षा कर, पहली से पाँचवीं तक के लिए कि छठवीं से आठवीं तक के लिए। यदि दोनों के लिए है तो नीचे दिया है बोथ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। इसके अलावा नीचे सब्जेक्ट भी दिया है, विज्ञान एवं गणित और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको चूज़ करना है। इसके अलावा फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन दिखा रहा है। चूज़ फाइल, आपको जाना है आपके गैलरी में, वहाँ से सेलेक्ट करना है और फ़ोटो को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई दे देगा। इसके अलावा सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। और फ़ोटो का साइज़ आपको 40 KB से 60 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का भी साइज़ जो है 20 से 40 KB के बीच होना चाहिए। इसको भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, आपका नाम, सेलेक्ट रीजन आप कहाँ से हैं, इसके अलावा आपका सेलेक्ट रिलेशन टाइप क्या है, फादर है तो फादर को, रिलेटिव है तो रिलेटिव, हस्बैंड है तो हस्बैंड, मदर है तो मदर को। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर, सेलेक्ट जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आपका जो भी है। इसके अलावा कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी, ST, SC, OBC, जनरल, और फीस,
तो यहाँ पर फीस दिखाई दे रहा है, हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा फीस माफ़ किए गए हैं तो यहाँ पर फीस ज़ीरो दिखाए दे, अभी खुला नहीं है तो कह नहीं सकते क्या है। इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना है, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी या विलेज, पोस्ट ऑफिस, सेलेक्ट स्टेट, स्टेट आपका छत्तीसगढ़ की हो तो छत्तीसगढ़ ही डालना। इसके अलावा नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। पिन कोड सेलेक्ट रीज़न, आप किस रीज़न से हो, आपका मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है और ईमेल आईडी। और नेक्स्ट है एग्ज़ाम सेंटर, आप परीक्षा किस जगह पर देना चाहते हो। और अंत में है डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र। आई एग्री वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी कैप्चर कोड दिया रहेगा उसको इस बॉक्स में फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये था सैंपल एप्लीकेशन, इसके ज़रिए आप इस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा और आपको फॉर्म भरना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें।